हेलो एवरीवन, दिस इज संजय और आज के स्टूडियो में दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैसे आप आसानी से इजीली एनिमल सेल बना सकते हो। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, लाइक और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। और थैंक यू सो मच गाइज प्लांट सेल को 1,00,000 व्यूज़ देने के लिए। तो इस वीडियो को भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये क्लास 9 में भी आता है, क्लास 11 में भी आता है। सो आप दोनों अगर क्लास 9 में हो या 11 में हो, इस वीडियो को पूरा क्लियर अच्छे से देखिएगा ताकि मैं आपको यहाँ पे सिखा पाऊँ कि कैसे आप इजीली बना सकते हो एनिमल सेल को। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और कैसे करेंगे चलिए ये मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे इस तरह से हम लोगों को एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। देन आफ्टर दोस्तों अब हम लोगों को यहाँ से इसे नीचे की ओर लेते आना है जैसा कि आप देख रहे हो अपने स्क्रीन में। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसे थोड़ा सा तिरछा करना है इधर। ओके, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद दोस्तों अब हम लोगों को यहाँ से एक सीधा लाइन बनाना है। ओके, फ्लैट एकदम इस तरह से होना चाहिए। इस तरह से लाइन बनाने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से इसे ऊपर ले जाना। तो कैसे ले जाएंगे चलिए ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग दोस्तों यहाँ से इसे फोल्ड करेंगे सेम जिस तरह से उधर से आया था, आपको एकदम सेम ड्रॉ करना है। ठीक है, उधर जिस तरह से होगा उस तरह से इधर भी आप बना सकते हो। बनाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा फोल्ड कर देना है। एंड देन आफ्टर अब आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना देना है। ओके, लेकिन ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता नहीं है तो मैं इसे रिलेट कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको रिमेम्बर हो जाए और आप आसानी से इसे याद रख सको। इसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको इसी के पैरेलल में, ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने इस लाइन को ड्रॉ किया था उसी के पैरेलल में हम लोगों को आउटर साइड में एक लाइन बना लेना अच्छी तरह से। और आप इसे देख सकते हो क्लियरली कि किस तरह से मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। देन आफ्टर दोस्तों हम लोगों को यहाँ से इसे पैरेलल ले जाते हुए यहाँ पे फिर फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद दोस्तों अब हम लोगों को इसे ऊपर ले जाना, ऊपर ले जाके डायरेक्ट हम लोगों को यहाँ पे देन आफ्टर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फिर से बनाना। और कैसे बनाना है चलिए ये मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। देख सकते हो आप दोस्तों इस तरह से हम लोग इसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करते हुए हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। मैंने यहाँ पे वीडियो स्लो इसलिए बनाया ताकि आप भी मेरे साथ बना सको। तो आप अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किए तो जल्दी से स्टार्ट अब भी करें और इसे मेरे साथ आप स्टेप बाय स्टेप बनाएं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे इसके बीच में पैरेलल लाइन बनाना है जैसा कि आप देख रहे हो, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। एंड देन आफ्टर हम लोगों को यहाँ से मिला देना। अब आपको क्या करना है यहाँ पे दो डबल लाइन बनाना, ठीक है। और कैसे बनाना है चलिए ये मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से आपको बना लेना है दोनों तरफ से। ओके दोस्तों, सो जिस तरह से आप देख रहे हो हम लोगों ने दोनों तरफ बना लिए। इसके ऊपर भी आपको दो लाइन बनाना है जो आप देख सकते हो। तो इस तरह से हम लोग इसे बना के कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लोगों को इसे बॉक्स के रूप में बदल देना है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। जैसे हम लोग ज्वाइन करेंगे ये एक बॉक्स बन जाएगा। सेम हम लोग यहाँ पे भी कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से भी सेम हम लोगों को बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना देना जो इसके अंदर में होगा, ठीक है। और अब यहाँ पर एक लास्ट बचा हुआ और दो ऊपर में जो यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, अब इसे हम लोग ऊपर ले जाके यहाँ पे छोड़ देंगे। ओके, सेम इस साइड से भी कर लेंगे। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं आउटर स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया। अब हम लोगों को अंदर में जो कुछ भी बनाना है उसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, थोड़ा सा मैं ऐसे देख लेता हूँ कि मैं इस तरह से यहाँ से ड्रॉ करूँगा। देन आफ्टर इसे भी थोड़ा सा बना लेते हैं, छोटा सा बनाना, आपको ज़्यादा लंबा नहीं करना नहीं तो आपको दिक्कत होगा। अब आपको क्या करना है इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैं इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर इसके पैरेलल आपको ड्रॉ करना है, फिर इसके पैरेलल ड्रॉ करके यहाँ पे आपको ज्वाइन कर देना। जैसा आप ज्वाइन करते हो दोस्तों उसके बाद हम लोगों को यहाँ से इसे मिलाना है, उसके बाद इसे यहाँ से मिलाना है। एंड देन आफ्टर इसे यहाँ से मिला के छोड़ देना है। अब क्या करना है यहाँ पर हम लोगों को इसके बीच में एक स्ट्रक्चर बना लेना है कुछ इस तरह से। और ये बहुत आसान है, आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाए और ये इजीली आपसे बन जाएगा। सो आगे भी दोस्तों आप मुझे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फॉलो करें और ये इजीली आपसे बनेगा।
और आप देख सकते हैं मैं ऐसे किस तरह से बना रहा हूँ। अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे, ठीक है, इसके आउटर स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर बनाना है, और कैसे बनाना है चलिए ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो जैसा कि दोस्तों आप इसे देख रहे हो क्लियरली कि मैं इसे कैसे बना रहा हूँ, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, तो आप इसे ईज़िली मेरे साथ बना सकते हो। तो हम लोगों को यहाँ से इसे अब यहाँ पर मिला देना है नीचे ले जाते हुए, ठीक है दोस्तों। तो आप मुझे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फॉलो करें, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है आपसे तो मैं आपके लिए तैयार हूँ। आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो नीचे कमेंट करके, और ये क्लास 9 और 11 में दोनों आता है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। आई होप कि ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, और आपका प्रैक्टिस भी कम कर देगा, जो समय पहले ले रहा था अब ये कम समय में आपसे बन जाएगा। तो दोस्तों इसका वीडियो मैंने पहले बनाया था, लेकिन वो वीडियो डिलीट मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैंने वहाँ पे कॉपीराइट सॉन्ग यूज़ कर लिया था कहीं ना कहीं, इसलिए मैंने फिर से ये डायग्राम आपके लिए बनाया और अच्छे तरह से बनाया ताकि आप इसे सीख सको और बना सको। तो दोस्तों इसके बाद आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, एज अ न्यू सब्सक्राइबर आपको अगर सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और नहीं करना दोस्तों तो सिंपल सी बात है आप नहीं भी कर सकते हो। लेकिन मेरा यही गोल है दोस्तों कि मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियोस दूं, तो अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो आप सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। देन दोस्तों हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। इसके बाद हम लोगों को जो भी स्ट्रक्चर बनाना है उसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाते जाएंगे। और अगर आपने मेरा प्लांट सेल नहीं देखा तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या तो आप मेरे चैनल में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी ढेर सारे डायग्राम मैंने बनाया है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो ऊपर में, हम लोगों को इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना लेना है जो ऑलरेडी एनिमल सेल में है, ठीक है। एंड देन आफ्टर यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स बना के कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, सिंपली दोस्तों जैसे हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी आपको कुछ स्ट्रक्चर्स ये सब बना लेना है जो ऑलरेडी आपके बुक में दिया हुआ होगा। देन आफ्टर हम लोगों को यहाँ पे जितना भी साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो सब भी बना के कंप्लीट कर लेना है। और आई होप कि ये सब भी आप सीख रहे होंगे मेरे साथ बना के स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ पे वाई का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे भी आपको कंप्लीट कर लेना है। और एग्ज़ाम में कैसे आपको बनाना है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल दोस्तों आपको ये सब स्ट्रक्चर इतना ध्यान से नहीं बनाना, आपको स्पीड में बनाना विद इन 5 मिनट। और मैंने ऑलरेडी इस डायग्राम को 3 मिनट के अंदर आई थिंक कवर अप कर लिया था, आप मेरे पुराने चैनल में देख सकते हो फाइन आर्ट्स गुरुजी इंग्लिश में, तो वहाँ पे मैंने इसका डायग्राम अपलोड किया, वो मेरा पुराना वीडियो है, वहाँ पे आपको मेरा फ़ोटो दिख जाएगा जब आप वीडियो को प्ले करोगे। देन आफ्टर दोस्तों हम लोग यहाँ पे सिंपली इसे इस तरह से स्ट्रक्चर बना के कंप्लीट कर लेंगे। और आपको मैं बता दूँ दोस्तों आपको यहाँ पे लेबलिंग भी करना है, तो पेंसिल से करना, क्योंकि एज यू नो इससे भी मार्क्स कटता है अगर आप पेन यूज़ करते हो। एंड देन आफ्टर यहाँ पे हम लोगों को दोस्तों इसे इस तरह से एक शेप बनाना है, यहाँ से इसे मिला देना है, और यहाँ पे आपको और एक लाइन ड्रॉ कर देना, तो आपको ये स्ट्रक्चर इस तरह से दिखने लगेगा। हमारा ये डायग्राम कंप्लीट होने को है दोस्तों, और हम लोगों ने इस तरह से इसे बना के कंप्लीट कर लेना है, ओके। देन आफ्टर मैं आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में भी लेबलिंग दिखाऊंगा, तो आप उसे भी देख के यहाँ पे लेबलिंग भी कर सकते हो मेरे साथ। और अगर आपको आता है दोस्तों तो आपको मेरे से पहले बोल देना है। आप इसे प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो मैं आपको सिंपली बताता हूँ। आप एक वाइट कॉपी खरीदो अच्छा सा, ठीक है, उसमें एक पेंसिल, कोई भी अच्छा पेंसिल रखो, चाहे वो मैकेनिकल पेंसिल हो चाहे वुड पेंसिल हो, और उससे क्या करो ना कि 2-3 बार बना के देखो फ्री हैंड, जो मैंने आपको सिखाया, और वहाँ पे एक टाइमर भी रख लो जिससे आपको साफ पता चलेगा कि मेरा कितना टाइम लग रहा है इसमें और मैं कितना जल्दी बना पा रहा हूँ, जैसे कि मैं खुद करता हूँ। तो इससे क्या होगा ना कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि मेरा एग्ज़ाम में कितना टाइम लगेगा इस डायग्राम में, अगर ये आता है तो। और ख़ास करके दोस्तों ये प्रैक्टिस आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि हो सके अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप इसे कंप्लीट भी कर सकते हो। तो यही आपको अपने दोस्त के साथ भी शेयर करना है। देखो दोस्तों आज के दिन में मैं आपको बताता हूँ मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं होने वाला है, यहाँ पे जो शेयरिंग एंड कैरिंग है वही आगे बढ़ने वाला है। सो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। सो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने इस डायग्राम को बना के कंप्लीट कर लिया, और हम लोग इसे हिंदी और इंग्लिश में भी लेबलिंग कर सकते हैं, तो ये लेबलिंग आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन में, और इसे लेबलिंग कर ले अच्छे से। सो फाइनली वी हैव डन। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये डायग्राम अच्छा लगा होगा, देन प्लीज़ जल्दी से लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप नए हो इस चैनल में तो जल्दी से नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बगल वाले बेल आइकन को जरूर से जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसा ही ढेर सारे डायग्राम मैं बनाते रहता हूँ और खास करके आपको देते रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।